हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और आज मेरा पूरा दिन इतना खराब निकला है, पूरा दिन खराब हो गया मेरा। मेरी एडिटिंग नहीं हो पा रही थी, बड़ी मुश्किल से हुई है। और यहाँ पर चल रहा है लाइट का, कहाँ पे ये होल्डर खराब हो गया था, तो ये सही हो रहा है, ये सही करवा रहे हैं। और प्लस इनका जो कमरा है, इस छोटे वाले कमरे का पंखा, ये कहते हैं हवा नहीं लगती है, इसमें बड़ा पंखा लगा है, तो छोटे वाले कमरे का छोटा वाला पंखा लगवाना है इन्हें। छोटा नहीं है, वो भी बड़ा ही लाया हूँ। कि जो ब्लेड है ना, वो ब्लेड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसकी वजह से हवा नहीं आ रही है। तो पंखा भी पुराना हो गया, मैं कहा चेंज ही करवा देते हैं इसको। के लिए खिलौनों का बॉक्स नहीं लेके आए हैं ना हम, तो उसने अपना खुद ही बॉक्स बना लिया और सारे खिलौने उसी में भर दिए हैं। गई है अभी अपनी क्लास करने, क्योंकि उसकी शाम की क्लास है आज 5 बजे से लेके 7 बजे। किसी दिन सुबह की होती है, किसी दिन शाम की होती है, तो जब उसका आने का टाइम होगा तो जाके ले आएंगे। आज हालत देखो क्या पड़ी है घर की, मेरा समेटा नहीं है, काम में लगी रही हूँ। तो और थोड़ी देर अगर घर समेटना बंद कर दो तो यही हाल होते, पूरा घर फैला पड़ा है। ये सारे आयान के काम होते हैं, जब ये देख लेता है ना कि घर पे कोई काम चल रहा है, तब ये और दम से फैलाता है, क्योंकि उस टाइम कोई रोकने टोकने वाला होता नहीं है। तो वैसे तो शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन नहीं लगाया तो फिर ये और ज़्यादा बहुत ही भर देता है सामान। और ये गए नंदनी को लेने, तो बस आते ही हैं लेके, और ये देखिए मेरे बालकनी के सामने कबूतर कबूतरी ऐसे ही बैठे रहते हैं रात भर। और ये नंदनी भी आ गई है क्लास से, और लाइट वाले भी भैया चले गए। लाइट का काम पूरा हो चुका है, अभी यहाँ से टेबल वेबल हटाई है ये, लेकिन पूरा ये कूड़ा कूड़ा हो गया है सारा, तो ये जा रही हूँ मैं साफ करने। और इनके कमरे का फैन भी चेंज हो गया है, ये देखिए कितना पूरा घर फैला पड़ा है। और जब तक मैंने सफाई करनी स्टार्ट नहीं की, तब तक तो इसने बहुत सारा सामान उठा के रख भी लिया, क्योंकि ऐसा कुछ काम होता है ना, जब तक कबाड़ मिलता है ऐसे रख रख के उठा उठा के इकट्ठा करके रखता है अपने लिए। और अभी हम आए सब्जी लेके, तो मैं जा रही हूँ मटर पनीर बनाने, क्योंकि इस बार ताज़ी मटर पहली बार आई है घर में। यहाँ पर मैंने देखी सब्जी की शॉप पर आज पहली बार है, वैसे तो मटर काफ़ी दिन से आ रही है। तो बस मैंने सारी तैयारी कर ली है और मैं जा रही हूँ, बस ये थोड़ा सा ग्रेवी बना लूँ पहले मटर पनीर की। और जब तक ये ग्रेवी ठंडी हो रही है, जब तक मैं और चीज़ें इकट्ठी कर ले रही हूँ। उस तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, तो सब्जी चावल बनेगा। और आज ना मैं एकदम सिंपल तरीके से मटर पनीर बनाऊंगी, इसमें ना तो कोई गरम मसाले ना कोई खड़े मसाले कुछ भी नहीं डाले हैं मैंने, बस ग्रेवी बनाई थी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी, और मैंने जो ग्रेवी बनाई थी ना उसमें भी हरी मिर्च डाल दी थी, तो लाल मिर्ची मैंने कम डाली है। और बस धनिया हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से पनीर को और मटर को फ्राई कर दिया है, और मटर जल्दी डाल दी थी मैंने मसाले के साथ में, तो अच्छे से पक गई थी मटर। ये देखिए मटर पनीर और चावल तैयार हैं, गर्मा गर्म मटर पनीर चावल बन के तैयार हो गए। तो चलिए डिनर कर लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। चलने चलने तो अब इनका मोटू पतलू बंद हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत कार्टून देख लिया, अब हम देखेंगे। बल्ब लगाया, बल्ब में क्लेंच है, बल्ब लगाया, बल्ब में क्लेंच है। और बताओ और क्या क्या हुआ है दिन में, बस इतना ही हुआ है। हेलो फ्रेंड, बल्ब लगाया, बल्ब में करंट है, और क्या हुआ है? बदतमीज लड़के, ये बताओगे वीडियो में? मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, भारी सा हो रहा है, क्योंकि इस मौसम में होने लगता है, तो मैं थोड़ी सी इनसे चंपी करा रही हूँ। मटर पनीर कौन खिलाएगा तुम्हें? उड़ जाऊंगी तो ऊपर से गिराओगी खालोगी ऊपर से गिराऊंगी तो तुम यहाँ से उड़ जाओ, उसके लिए हम कुछ भी सहन कर सकते हैं। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 8:30 बज रहे हैं, और मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि बाकी के सुबह के मेरे जो काम होते हैं जल्दबाजी वाले वो हो गए हैं, और ये भी उड़ गए हैं। और क्योंकि मैडम इनकी आ जाती हैं 9:30 बजे, तो बस अभी मैं बना रही हूँ चाय। एक तरफ पूजा करने के बाद मैंने एक तरफ चाय रख दी है गैस में, और एक तरफ रख दी है मीठे वाले ओट्स बनने के लिए, क्योंकि ये ओट्स खा के ही जाएंगे। तो मैं ओट्स बहुत कम बनाने लगी हूँ, पहले मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती थी, तो बाकी लोगों को पसंद नहीं आता था, तो वो बचा रखा रहता था। तो फिर मैं इनको जो दे दूँगी, जो बचेगा उसमें से मैं ले लूँगी, नंदनी ले ली। इतनी तेज़ हवा आनी तूफान चल रही है कि मुझे बाहर खड़ा होना मुश्किल पड़ रहा है।
लाइट सही नहीं आती, पता नहीं फेस कैसे चमकते हैं। तो ये निकल गए हैं ऑफिस, और ये सारे कपड़े मेरे कल के पड़े हुए थे तो ये सूख चुके हैं, तो इनको अंदर ले चलते हैं साथ में और फिर चल के देखते हैं और क्या करना है। तो बस कपड़े रखने के बाद में मैंने अयान के हाथ पैर धुलाए, क्योंकि हवा चल रही है तो आज मैंने इसको नहलाया नहीं है। वैसे तो ये नहाने का बहुत शौकीन है, लेकिन आज इसके ऐसे हाथ पैर धो के, और मैंने ऐसे एक आध दिन तो चल जाता है कि ऐसे तैयार कर दो इसे। गुड मॉर्निंग बेटा, मेरे अयान ने तो हन्नू कर लिया था, हन्नू नहीं करी, हाथ पैर धो गए हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और फ्रिज देख सकते हैं पूरा खाली हो गया है, कोई सब्जी नहीं बची है, तो मुझे लग रहा है अभी सब्जी लेने भी जाना पड़ेगा मुझे। और इनको तैयार कर दिया है, तो ये खेलने बैठ गए हैं, क्योंकि अभी ये फैलाएंगे भी, क्योंकि सांप घर तो ये देख नहीं सकते वैसे भी। तो अभी तो सब मैंने समेट के भर के ही रखा था सुबह सुबह। सब्जी भी बस ये गोभी का डंठल बचा है, इतनी सी गोभी बची है, सब्जी भी मुझे लानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं नाश्ता कर लूँ, ओट्स निकाल के रख लिया मैंने कटोरी में, नाश्ता वास्ता करने के बाद में जाऊंगी, क्योंकि टाइम लगेगा सब्जी अभी लाने में, और अब थोड़ा सा भूख भी लग रही है, काफी देर हो गए काम करते करते, उसके बाद जाऊंगी। और मैं जा रही हूँ बोर्ड को साफ करने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैसा हो गया, लिखे हुए सूख गया है। जब मैडम ने इसके ये तेलुगु वाले छोटा बड़ा पढ़ाए थे, तेलुगु वाले सिखाए थे, जब से लिखा है तब से साफ नहीं किया, तो साफ करना बड़ा मुश्किल है। नजरी लेके आई टिश्यू पेपर सैनिटाइजर, आप साफ हो जाए। मैं इतनी देर से हाथ से मेहनत कर करके पूरा हाथ थका डाल रही थी रगड़ रगड़ के। और इसमें आज बोर्ड में मैं कुछ नया लिखने जा रही हूँ, मैं इसमें लिखूंगी गीता का एक श्लोक, क्योंकि गीता में हमारे जीवन का सारा सार लिखा हुआ है, तो मैं इसको संस्कृत और हिंदी में लिखूंगी। गीता इंग्लिश में भी है, लेकिन मुझे इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती है, तो मैं संस्कृत और हिंदी में लिखूंगी, क्योंकि लेकिन जब मैं बोर्ड में लिखती हूँ ना, तो मेरे अक्षर डगमगाने लगते हैं, मतलब बोर्ड में एकदम सीधे हम नहीं लिख पाते हैं जिस तरीके से हम नोटबुक वगैरह में लिख लेते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें भी मैं अच्छे से लिख लूँ और पूरा श्लोक इस पूरे बोर्ड में आ जाए। इसमें मैंने भावार्थ गलत लिखा है, भावार्थ में बड़ा भा होना चाहिए, लेकिन मैंने छोटा भा लिखा है, एक मात्रा कम लगाई हुई है। मैंने इसमें बाद में ध्यान दिया कि इसमें बड़ा भा होता है, तो मैं चाहती तो इसको मतलब सही करके फिर एडिट करके वीडियो में डाल देती, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो गलती मैंने की है उसे मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा छोटे भा को, इसमें बड़ा भा होगा। क्योंकि बहुत दिन तक जब लिखना छोड़ देते हैं ना, तो फिर जब लिखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है, इस वजह से ये मिस्टेक मुझसे हो गई। और जब मैं बाद में पढ़ रही हूँ उसे, तब मुझे समझ में आया, तब तक मैं वीडियो बना चुकी थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। ओट्स बना रखा है, लेकिन इस लड़की को ओट्स नहीं खाने हैं, आते ही इसने रोटी के पराठे बनाए हैं, जो कल की रोटी रखी है उसके पराठे बन गए हैं, और क्या है, चाय बन गई है। आज अयान का सुबह से मूड खराब है, क्योंकि आज इसको सुबह जल्दी उठा दिया था, तब से ये आलस के मूड में है, पढ़ने के मूड में नहीं है। पढ़ाई करोगे बाजरे के? तो अभी बज रहा है 11 और मुझे जाना है सब्जी लेने, और बाल देखिए मेरे कैसे हो रहे हैं, तेल डाला था लेकिन शैम्पू नहीं किया है मैंने, इसी बड़े अजीब से हो रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह नहाने में ना ठंड में मन नहीं करता है बाल धोने का, अगर धो लो तो सर में दिक्कत होती है, और आज मुझे थोड़ी सी हो भी रही है दिक्कत सर में, और बॉडी पूरी भारी भारी सी लग रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं सोची हूँ मैं जल्दी से सब्जी ले आऊँ, ले आती हूँ भले ही, लेकिन हो सकता है मैं सब्जी ना बनाऊँ, मैं दाल चावल बनाऊंगी, आज मुझे जल्दी से काम निपटाना है, तो इसलिए हम दाल चावल ही बनाएंगे, लेकिन ले आती हूँ जाके, और इस वीडियो को एंड कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं टाइम लग जाएगा, फिर खाना वाना बनाने लगूंगी, फिर इनका लंच का भी टाइम हो जाएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अभी नहीं हुआ है।
तो आप कर दुआ के आओ, आप कर दुआ के आओ। पढ़ाई तो करते नहीं हो और क्या बाय करोगे? बाय आज नंदनी तेरी क्लास नहीं है? नहीं तो तेरी प्रैक्टिस भी नहीं होनी है? प्रैक्टिस होती है घर में होती है।